मिया के तीन बेटे थे, रॉबिन, जॉन और रॉबर्ट। पति के गुजरने के बाद मिया ने बड़ी मेहनत से अपने तीनों बेटों को बड़ा किया था। तीनों ही बेटे होनहार और नेक थे। रॉबिन की अनाज की दुकान थी, जॉन एक चर्च में काम करता था और रॉबर्ट किसी व्यापारी के खेतों में मजदूरी किया करता था। एक दिन माइकल नाम का एक आदमी मिया के पास आया। वो अपनी बेटी जूली की शादी मिया के तीन बेटों में से किसी एक से करना चाहता था। मिया बहन, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी बेटी जूली का ब्याह आपके ही किसी लड़के से हो। वो बहू बन के आपके घर में आए और आपके घर की रौनक बढ़ाए। अरे ये तो हमारा सौभाग्य होगा। आप मेरे पति के पुराने मित्र जो है, और जूली भी तो कितनी प्यारी और सुंदर लड़की है। लेकिन आप उसका विवाह मेरे किस लड़के के साथ करना चाहते हैं? इसका फैसला हम एक साल बाद करेंगे, पहले मैं उन तीनों से मिल तो लूं। इतना कहकर माइकल सबसे बड़े बेटे रॉबिन के पास गया। बेटा रॉबिन, मैं कुछ दिनों के लिए यात्रा पर निकल रहा हूँ, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी ये अनाज की बोरी संभाल सकते हो? हाँ माइकल अंकल, क्यों नहीं, आप निश्चिंत होकर यात्रा के लिए निकल पड़िए। और इस तरह से माइकल जॉन और रॉबर्ट से भी मिला और उसने उन्हें भी अनाज की एक एक बोरी संभालने के लिए दे दी और वो खुद यात्रा के लिए निकल पड़ा। करीब करीब एक साल बाद माइकल यात्रा से लौट आया। सबसे पहले वो रॉबिन से मिलने के लिए उसकी दुकान पर पहुंचा। बेटा मैं अपनी अनाज की बोरी वापस लेने आया हूँ। माइकल अंकल, आपको यात्रा पर गए बहुत दिन हो गए थे और कहीं आपका अनाज खराब ना हो जाए इसलिए मैंने उसे अपने दुकान में रखवा कर ग्राहकों को बेच दिया। माफ कीजिए, मैं आपको अनाज की वो बोरी तो नहीं दे सकता, लेकिन उस अनाज को बेचकर मुझे जो पैसे मिले वो आप रख लीजिए। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, तुमने उस अनाज का सही इस्तेमाल किया। और इतना कहकर पैसे लेकर माइकल अब चर्च में जॉन के पास आ पहुंचा। बेटा मैं वो अनाज की बोरी वापस लेने आया था। जी अंकल, मैंने आपकी बड़ी राह देखी और फिर क्रिसमस के दिन वो अनाज लोगों में बांट दिया। उन लोगों की दुआएं और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेंगे। दान धर्म, अरे वाह, ये तो बड़े पुण्य का काम है बेटा। मैं खुश हूँ कि तुमने उस अनाज का सही इस्तेमाल किया। अब माइकल सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट के पास पहुंचा। रॉबर्ट अपने खेतों में काम कर रहा था। बेटा रॉबर्ट, मैं अपनी अनाज की बोरी वापस लेने आया था। अरे माइकल अंकल आ गए आप, आइए मेरे साथ। आपको तो पता है माइकल अंकल, पहले मैं एक व्यापारी के खेतों में काम किया करता था और बाद में मैंने उससे वो जमीन खरीद ली और उसे कसके आपने दिया हुआ अनाज उसमें बो दिया। फसल बड़ी अच्छी आई और मुझे मुनाफा भी बहुत हुआ। उसमें से कुछ बोरियां मैंने यहाँ पर संभाल के रखी है, आप उसमें से जितनी चाहिए उतनी बोरियां ले सकते हैं। बेटा उसकी कोई जरूरत नहीं, ये सब तो तुम्हारी मेहनत का ही फल है। मैं तो सिर्फ तुम तीनों भाइयों की परीक्षा लेना चाहता था। परीक्षा, वो किस लिए? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और इतना कहकर माइकल मिया के पास आया। कहिए माइकल जी, क्या फैसला लिया आपने? मिया बहन, मैं अपनी बेटी जूली की शादी आपके सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि उसी ने मेरे दिए हुए अनाज का सही इस्तेमाल करते हुए अपने होनहारी और मेहनती होने का सबूत दिया है। वही मेरी बेटी के लिए सबसे काबिल लड़का है। अरे वाह माइकल जी, मुझे आपके इस फैसले से बड़ी खुशी हुई। आखिरकार आपकी जमाई की खोज पूरी हो ही गई। हाँ बहन, मुझे मेरा जमाई मिल गया। और इस तरह से माइकल की बेटी जूली की शादी मिया के सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट के साथ हो गई और दोनों ही एक सुखी दाम्पत्य का जीवन बिताने लगे। मिया के तीन बेटे थे, रॉबिन, जॉन और रॉबर्ट। पति के गुजरने के बाद मिया ने बड़ी मेहनत से अपने तीनों बेटों को बड़ा किया था। तीनों ही बेटे होनहार और नेक थे। रॉबिन की अनाज की दुकान थी, जॉन एक चर्च में काम करता था और रॉबर्ट किसी व्यापारी के खेतों में मजदूरी किया करता था। एक दिन माइकल नाम का एक आदमी मिया के पास आया। वो अपनी बेटी जूली की शादी मिया के तीन बेटों में से किसी एक से करना चाहता था। मिया बहन, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी बेटी जूली का ब्याह आपके ही किसी लड़के से हो। वो बहू बन के आपके घर में आए और आपके घर की रौनक बढ़ाए। अरे ये तो हमारा सौभाग्य होगा। आप मेरे पति के पुराने मित्र जो है, और जूली भी तो कितनी प्यारी और सुंदर लड़की है।
लेकिन आप उसका विवाह मेरे किस लड़के के साथ करना चाहते हैं? इसका फैसला हम एक साल बाद करेंगे, पहले मैं उन तीनों से मिल तो लूं। इतना कहकर माइकल सबसे बड़े बेटे रॉबिन के पास गया। बेटा रॉबिन, मैं कुछ दिनों के लिए यात्रा पर निकल रहा हूँ, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी ये अनाज की बोरी संभाल सकते हो? हाँ माइकल अंकल, क्यों नहीं, आप निश्चिंत होकर यात्रा के लिए निकल पड़िए। और इस तरह से माइकल जॉन और रॉबर्ट से भी मिला और उसने उन्हें भी अनाज की एक एक बोरी संभालने के लिए दे दी और वो खुद यात्रा के लिए निकल पड़ा। करीब करीब एक साल बाद माइकल यात्रा से लौट आया। सबसे पहले वो रॉबिन से मिलने के लिए उसकी दुकान पर पहुंचा। बेटा मैं अपनी अनाज की बोरी वापस लेने आया हूँ। माइकल अंकल, आपको यात्रा पर गए बहुत दिन हो गए थे और कहीं आपका अनाज खराब ना हो जाए इसलिए मैंने उसे अपने दुकान में रखवा कर ग्राहकों को बेच दिया। माफ कीजिए, मैं आपको अनाज की वो बोरी तो नहीं दे सकता, लेकिन उस अनाज को बेचकर मुझे जो पैसे मिले वो आप रख लीजिए। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, तुमने उस अनाज का सही इस्तेमाल किया। और इतना कहकर पैसे लेकर माइकल अब चर्च में जॉन के पास आ पहुंचा। बेटा मैं वो अनाज की बोरी वापस लेने आया था। जी अंकल, मैंने आपकी बड़ी राह देखी और फिर क्रिसमस के दिन वो अनाज लोगों में बांट दिया। उन लोगों की दुआएं और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेंगे। दान धर्म, अरे वाह, ये तो बड़े पुण्य का काम है बेटा। मैं खुश हूँ कि तुमने उस अनाज का सही इस्तेमाल किया। अब माइकल सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट के पास पहुंचा। रॉबर्ट अपने खेतों में काम कर रहा था। बेटा रॉबर्ट, मैं अपनी अनाज की बोरी वापस लेने आया था। अरे माइकल अंकल आ गए आप, आइए मेरे साथ। आपको तो पता है माइकल अंकल, पहले मैं एक व्यापारी के खेतों में काम किया करता था और बाद में मैंने उससे वो जमीन खरीद ली और उसे कसके आपने दिया हुआ अनाज उसमें बो दिया। फसल बड़ी अच्छी आई और मुझे मुनाफा भी बहुत हुआ। उसमें से कुछ बोरियां मैंने यहाँ पर संभाल के रखी है, आप उसमें से जितनी चाहिए उतनी बोरियां ले सकते हैं। बेटा उसकी कोई जरूरत नहीं, ये सब तो तुम्हारी मेहनत का ही फल है। मैं तो सिर्फ तुम तीनों भाइयों की परीक्षा लेना चाहता था। परीक्षा, वो किस लिए? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और इतना कहकर माइकल मियाँ के पास आया। कहिए माइकल जी, क्या फैसला लिया आपने? मियाँ बहन, मैं अपनी बेटी जूली की शादी आपके सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि उसी ने मेरे दिए हुए अनाज का सही इस्तेमाल करते हुए अपने होनहारी और मेहनती होने का सबूत दिया है। वही मेरी बेटी के लिए सबसे काबिल लड़का है। अरे वाह माइकल जी, मुझे आपके इस फैसले से बड़ी खुशी हुई, आखिरकार आपकी जमाई की खोज पूरी हो ही गई। हाँ बहन, मुझे मेरा जमाई मिल गया। और इस तरह से माइकल की बेटी जूली की शादी मिया के सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट के साथ हो गई और दोनों ही एक सुखी दाम्पत्य का जीवन बिताने लगे।